उत्तराखंड में। उत्तराखंड की नदियों और सड़कों पर बने 75 पुल सेफ्टी ऑडिट में असुरक्षित पाए गए हैं। राज्य सरकार ने इन पुलों में ज्यादातर खतरनाक पुलों पर तत्काल यात्रा रोकने के निर्देश दिए, साथ ही अन्य पुलों को सुरक्षित बनाने को लेकर संबंधित विभाग से प्रस्ताव मंगाया गया है। गौरतलब हो कि बीते दिनों कोटद्वार की माला नदी पर बना पुल टूटने के बाद प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड के सभी पुलों का सेफ्टी ऑडिट कराने का निर्देश दिया था और पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सभी पुलों का सेफ्टी ऑडिट किया गया, जिसमें लगभग 75 पुल यातायात की दृष्टि से असुरक्षित पाए गए। वहीं कांग्रेस ने सेफ्टी ऑडिट को लेकर सरकार पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि सेफ्टी ऑडिट पहले भी कराया गया था और पहले भी कई पुल असुरक्षित पाए गए थे, बावजूद उसके राज्य सरकार ने ना तो उन पुलों का कोई ध्यान रखा और ना ही उन पुलों के साथ में कोई वैकल्पिक रास्ता बनाया, यानी कि सरकार प्रदेश की जनता की जान से कोई सरोकार नहीं रखती। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि सेफ्टी ऑडिट बीजेपी सरकार ने कराया है और कांग्रेस को हर चीज में राजनीति नजर आती है। हम प्रदेश की जनता का ख्याल रखते हैं और यही वजह है कि सेफ्टी ऑडिट कराया गया और साथ ही जो पुल असुरक्षित है उन पर आवाजाही पूरी तरीके से बंद कराई गई है, साथ ही सभी पुलों के साथ एक वैकल्पिक रास्ता भी शुरू करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को दिए हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है। किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, पहले वो सुनवाते हैं आपको, उसके बाद फिर इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सरकार ने ही ऑडिट कराया है, ऑडिट के बाद उन पुलों का बेकली व्यवस्था क्या होगी, उसका विकल्प क्या होगा और जो अति क्षतिग्रस्त हैं, ये जो बहुत ज़्यादा ख़त्म वाली स्थिति में हैं, उनके बेकली मार्ग की व्यवस्था की गई है। कहीं पर भी यातायात अवरोध नहीं है। कांग्रेस पार्टी ऐसे बयान देकर यातायात को अवरोध करना चाहती है, लोगों में संशय और भय फैलाना चाहती है। हम जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारी सरकार में कहीं पर भी कोई इस तरीके की अड़चन नहीं आएगी, आवागमन सुगम और सुरक्षित किया जाएगा। जहां भी इस तरीके की सूचनाएं मिली हैं या ऑडिट में आए हैं कि इन पुलों में भविष्य में दिक्कत आने वाली है। कांग्रेस पार्टी तो लगातार कह रही है और करण महाराज इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं कि पिछली बार सोंग नदी का पुल टूटने के बाद, बड़ाची का फ्लाईओवर टूटने के बाद जो पुलों के सेफ्टी ऑडिट के लिए सरकार ने आदेश किए थे, उस समय 36 पुल जो है खतरे की जद में बताए गए थे, फिर भी सरकार नहीं जागी। और इस बार जब मालन नदी का पुल गिरा, खनन को उसकी एक बड़ी वजह बताया गया। प्रदेश में सभी जगह जिस तरीके से खनन माफिया हावी है, वो न तो फ्लाईओवर छोड़ रहे हैं न पुल छोड़ रहे हैं, चारों तरफ जो है खनन माफिया का ही राज है। जो बताया गया उसके हिसाब से 3000 से ज़्यादा टोटल पुल हैं जो हमारी सड़कों के ऊपर हैं, उसमें से 2000 से ज़्यादा को देखा जा चुका है, उनका ऑडिट, उनका इंस्पेक्शन किया जा चुका है। उसमें 75 पुल ऐसे पाए गए हैं जो जिनमें कुछ माइनर रिपेयर की आवश्यकता है या कुछ और सुधारात्मक कार्य करने की आवश्यकता है। तो उसमें मैंने कल ही मीटिंग की थी और मैंने ये इनसे कहा है कि जितने भी पुल ऐसे हैं जिनमें कुछ रिपेयर की आवश्यकता है, उसका एस्टिमेट तुरंत बना के यहाँ पर भेजा जाए। इसमें मुझे ये बताया गया कि 16 पुल ऑलरेडी नए पुल सेंक्शन हो गए हैं अलग अलग मदों से, उन पर काम स्टार्ट करा गया है। इसके अलावा 4 एस्टिमेट हैं जो शासन में हैं और 25 के आसपास एस्टिमेट हैं जो HOD ऑफिस में हैं। पुल गए हैं, पुलों में ज्यादातर खतरनाक पुलों पर तत्काल यात्रा रोकने के निर्देश दे दिए हैं और दूसरे जो पुल हैं उन्हें सुरक्षित बनाने को लेकर संबंधित विभाग से प्रस्ताव मांगा गया है। गौरतलब है कि इस वक्त उत्तराखंड में झमाझम बारिश हो रही है और भारी बरसात की वजह से मैदानी इलाकों में भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। नदियों का, नालों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से इसका नुकसान पुलों को भी हो रहा है। हमने देखा था कि बीते दिनों कोटद्वार की माला नदी पर बना पुल टूट गया था, जिसके बाद प्रदेश सरकार की किरकिरी हुई थी। इसके बाद उत्तराखंड के सभी पुलों का सेफ्टी ऑडिट कराने का निर्देश सरकार की तरफ से दिया गया, साथ ही पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सभी पुलों का सेफ्टी ऑडिट भी किया गया, जिसमें लगभग 75 पुल बताए जा रहे हैं जो कि यातायात की दृष्टि से असुरक्षित पाए गए हैं, जिसपे तत्काल प्रभाव से यातायात रोक दी गई है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि सेफ्टी ऑडिट को लेकर सरकार गंभीर नहीं है।
सेफ्टी ऑडिट पहले भी कराया गया था और पहले भी कई पुल असुरक्षित पाए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी राज्य सरकार ने ना तो पुलों का कोई ध्यान रखा, ना ही पुलों के साथ में कोई वैकल्पिक रास्ता बनाया है। यानी सरकार प्रदेश की जनता की जान के साथ खेलती हुई नजर आ रही है। इससे कोई सरोकार सरकार का नहीं है, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस पर सीधे तौर पर पलटवार कर दिया है। कहा है कि सेफ्टी ऑडिट बीजेपी सरकार नहीं कराया है, कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ हर मुद्दे पर राजनीति कर रही है, ऐसे मुद्दों पर राजनीति से बचना चाहिए। सरकार का कहना है कि हम प्रदेश की जनता का ख्याल रखते हैं, यही वजह है कि हमने सेफ्टी ऑडिट कराया और साथ ही जो पुल असुरक्षित हैं उन पर हमने तत्काल प्रभाव से यातायात यानी कि आवाजाही जो है वो पूरी तरह से बंद कर दी है। साथ ही सभी पुलों के साथ एक वैकल्पिक रास्ता भी शुरू करने के निर्देश यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दे दिए हैं संबंधित विभाग को, लेकिन उसके बावजूद भी इस पूरे मसले पर राजनीति गरमाई हुई है। नदी नाले उफान पर है, भारी बरसात की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो रखे हैं, ऐसे में पुलों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। आगे किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो इसको लेकर सरकार ने सेफ्टी ऑडिट कराया था, जिसमें 75 ऐसे पुल हैं जो कि असुरक्षित पाए गए हैं, जो खतरनाक यानी कि जो डेंजर जोन में आ गए हैं उन पर आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है, यात्रा पर उस पर रोक लगा दी गई है। तो उत्तराखंड का एक पूरा मामला है जहां पर कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग को लगातार सरकार आदेश दे रही है कि जो भी ऐसे पुल हैं जो कि असुरक्षित हैं, जो 75 ये पुल बताए जा रहे हैं उन पर आवाजाही नहीं होनी चाहिए, साथ ही वैकल्पिक रास्ता उसके बगल में होना चाहिए कि अगर पुलों को कोई नुकसान होता है तो यातायात बाधित ना हो। बीते दिनों कोटद्वार की माना नदी पर बना पुल टूटने के बाद प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड के सभी पुलों को सेफ्टी ऑडिट कराने का निर्देश दिया था, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सभी पुलों का सेफ्टी ऑडिट कराया गया। पुल ये बताए जा रहे हैं जो कि यातायात की दृष्टि से असुरक्षित हमला बोल दिया है। बीजेपी पर साफ तौर पर कहना है कि सरकार जनता का ध्यान रखती है और यही वजह है कि ऑडिट कराया गया, ये दिखावा नहीं है, हमें वाकई उत्तराखंड के लोगों की चिंता है, यातायात जो चारधाम यात्रा चल रही है उसकी भी हमें चिंता है, उसकी फिक्र है, इसी वजह से हमने ऑडिट कराया है। फिलहाल उन जगहों पर उन पुलों पर रोक लगा दी गई है आवाजाही के लिए जिस पर यात्रा चल रही थी, जो कि डेंजर जोन में आ रही हैं। तो पूरा मामला है जिसको लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर देवभूमि में देखा जा रहा है। तो सर्वे किया गया पूरा पीडब्ल्यू विभाग ने, इसके बाद 75 ऐसे पुल चिन्हित किए हैं जो कि असुरक्षित है, यानी कि बरसात के मौसम में भारी बरसात में जब नदियां नाले उफान पर हैं तो उन पर आवाजाही नहीं होनी चाहिए, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, इसी वजह से पहले ही उन पर रोक लगा दी गई है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे पुल हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया गया है, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार को घेरती आई है और एक और मुद्दा जो है वो कांग्रेस को मिल गया। आपको बता दें कि अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, भर्ती घोटाले की बात हो, इसके अलावा पलायन का मुद्दा हो, या फिर जो अवैध निर्माण है जो गिराए जा रहे हैं उसको लेकर हो, या फिर इन पुलों के बारे में बात हो, या फिर जल भराव की स्थिति हो, समस्या हो, इन सबको लेकर लगातार कांग्रेस सरकार को घेरती आई है और आज भी इस मुद्दे को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। तो सेफ्टी ऑडिट को लेकर लगातार एक दूसरे पर तंज कसते हुए कांग्रेस और बीजेपी नजर आ रही है।
चाय हो रही है। उत्तराखंड की नदियों और सड़कों पर 75 पुल सेफ्टी ऑडिट में असुरक्षित पाए गए हैं, जिसको लेकर राज्य सरकार ने इन पुलों में ज्यादातर खतरनाक पुलों पर तत्काल प्रभाव से यात्रा रोकने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अन्य पुलों को सुरक्षित बनाने को लेकर संबंधित विभाग से प्रस्ताव भी मांगा है, ताकि ऐसे पुलों को ठीक किया जा सके या फिर उनके बगल में कोई वैकल्पिक रास्ता बनाया जा सके। गौरतलब है कि बीते दिनों कोटद्वार की माला नदी पर बना पुल टूट गया था, जिसके बाद काफी हंगामा बरपा था। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हुआ था, जिसके बाद प्रदेश सरकार पर सवाल निशान खड़े हो रहे थे। अब ऐसे में प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड के सभी पुलों का सेफ्टी ऑडिट कराने का निर्देश दिया और पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सभी पुलों का सेफ्टी ऑडिट किया गया है, जिसमें 75 पुल यातायात की दृष्टि से बेहद असुरक्षित हैं, खराब हैं, डेंजर जोन में हैं। कांग्रेस ने सेफ्टी ऑडिट को लेकर सरकार पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि सेफ्टी ऑडिट पहले भी कराया गया था, पहले भी कई ऐसे पुल हैं जो कि असुरक्षित पाए गए थे, लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार ने ना तो उन पुलों का कोई ध्यान रखा है और ना ही पुलों के साथ में कोई भी वैकल्पिक रास्ता बनाया है। प्रदेश सरकार जनता की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो इस मुद्दे पर लगातार राजनीति हो रही है, कांग्रेस सरकार को घेर रही है। वहीं सरकार का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस की आदत हो गई है, कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा है, तो किसी भी मुद्दे को लेकर सिर्फ कांग्रेस राजनीति कर रही है। हालांकि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये सेफ्टी से जुड़ा मुद्दा है, सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, इस पर हमें आगे आना चाहिए। और ऐसे पुलों को हमने चिन्हित किया है जो कि हमारा कर्तव्य था, हमने उसे पूरा किया है, क्योंकि देवभूमि की जनता को लगातार हम सुरक्षित रखना चाहते हैं, कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर हमने ये ऑडिट सर्वे किया। इस सर्वे में 75 पुल सेफ्टी ऑडिट में असुरक्षित पाए गए हैं, जिसके बाद इन पुलों पर यात्रा पूरी तरह से रोकने के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही साथ इन्हें ठीक करने, साथ ही साथ वैकल्पिक रास्ता बनाने के निर्देश भी यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दे चुके हैं। तो राज्य सरकार ने इन पुलों पर पूरी तरह से यात्रा पर रोक लगा दी है, क्योंकि सेफ्टी ऑडिट में ये असुरक्षित पाए गए हैं। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस नेता मयंक प्रकाश मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधे मैं उनका रुख करूंगी। मयंक जी, ये जो पूरा मुद्दा चल रहा है इस वक्त, जो सरकार कह रही है कि हमने सेफ्टी ऑडिट कराया है और 75 इसमें पुल ऐसे पाए गए हैं जो पूरी तरह से असुरक्षित हैं, कांग्रेस का सीधे तौर पर आरोप है कि सरकार ने पहले भी ऐसे कहा था लेकिन उन पुलों का ध्यान नहीं दिया गया। सेफ्टी ऑडिट तो सरकार ने कराया, फिर क्यों सवाल उठ रहे हैं? जी, पहली बात तो नमस्कार, आपने मेरे को इस मुद्दे पे जुड़ने का मौका दिया और अपना पर्सपेक्टिव एक रखने का मौका दिया पार्टी को। तो पहले तो जिस तरीके से आपने बताया कि सेफ्टी ऑडिट जो मोरबी में, जो गुजरात में जो अपना सस्पेंडेड ब्रिज था, वो जो दुर्घटना घटी उसके बाद हमारे जो बीजेपी सरकार उत्तराखंड में है, उन्होंने सोचा कि हमें अपनी खुद की सेफ्टी भी चेक करनी चाहिए कि हमारे ब्रिजेस कितने सेफ है कि नहीं है, ठीक है, कि उसकी दुर्घटना ऐसी ना हो। और उस जब सेफ्टी ऑडिट हुआ मैम, उस सेफ्टी ऑडिट में 35 ब्रिजेस ऐसे पाए गए थे। लेट मी रिमाइंड यू दैट देयर आर 3262 ब्रिजेस इन आवर स्टेट। 3260 हमारे ऑलमोस्ट ब्रिजेस हैं हमारे उत्तराखंड में, जिसमें से 35 ब्रिजेस अनसेफ पाए गए थे। और ये वैसे ऐसे वैसे ब्रिजेस नहीं थे मैम, ये हमारे मेजर सिटीज के ब्रिजेस थे। अभी जो रिसेंटली जो अभी और ये हुआ था हमारा सेफ्टी ऑडिट का जो चेक हुआ था, ये हुआ था नवंबर 2022 में, ठीक है। और आज इस महीने, आज हम जब अब डिबेट कर रहे हैं, आज हमें नए जो सेफ्टी ऑडिट के थ्रू पता चला है कि 75 ब्रिजेस हैं वो हमारे क्या कहते हैं, वो अनसेफ है। और जो 75 ब्रिजेस जो मैम हमारे अनसेफ है, ये देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, ये जो मेन मेन हमारी टाउनशिप्स हैं, ये वहां के ब्रिजेस हैं जो अनसेफ हैं। तो हमारा बस यही सवाल है कांग्रेस पार्टी का कि आपके नवंबर 2022 में
पिछले साल 35 ब्रिजेस थे, आज जब आप सेफ्टी ऑडिट करा रहे हैं इस महीने, आज जब हम जब बात कर रहे हैं, आज 75 हमारे ब्रिजेस हैं जो अनसेफ है। तो मेरे को समझ नहीं आया 35 से 75 मोर देन डबल मैम, मोर देन डबल हमारे आज के टाइम पे ब्रिजेस अनसेफ है। लेकिन देर से जागी, कांग्रेस का सीधे तौर पर आरोप है कि सरकार जागी है लेकिन देर से जागी है। कोई भी घटना हो सकती थी, कोटद्वार में माला नदी पर जो पुल बना हुआ था वो बह गया, पूरी तरह से टूट गया। कांग्रेस का ये भी कांग्रेस की ये भी मांग है कि एक वैकल्पिक रास्ता भी होना चाहिए। क्या हर पुल के पास वैकल्पिक रास्ता पॉसिबल है? अगर हम देवभूमि की बात करें, जी मैम, मैं बोलूं? जी 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 मैम, बस कांग्रेस पार्टी हमारी जो है वो सबको एक ही सवाल उठाना चाह रही है कि पिछले साल आपके 35 ब्रिजेस थे जैसे मैंने पिछली बार आपको बोला, और इस बार 75 ब्रिजेस है। हमारा एक और ही सवाल है कि अभी आप हमें ये बताइएगा कि क्या कहते हैं 35 ब्रिजेस थे वो ठीक किए भी गए थे, या ये 35 ब्रिजेस वही ब्रिजेस हैं जो इंक्लूड होते हैं हमारे 75 में? ये 35 ब्रिजेस ठीक करे भी गए थे या ये वही ब्रिजेस हैं जो अभी इंक्लूड हो रहे हैं और आ रहे हैं हमारे जो 75 अभी हमारा रिकॉर्ड हो गया? एक सवाल मेरा ये है कि हमारी सरकार को 19.23 करोड़ रुपीज एलोकेट किए गए थे, ये इसी चीज के लिए दिए गए थे कि क्या कहते हैं ये 35 जो ब्रिजेस हैं ये ठीक करी जाए, और इनके 12.93 करोड़ रुपीस रिलीज भी हो गए थे, पर इसके बाद भी आज हमारे 75 ब्रिजेस अनसेफ हैं। और ये बात मैम सच में ये सही बात है कि ये बात राजनीति की नहीं है, ये उत्तराखंड के लोगों की बात है। यहाँ पे हमारा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, हमारा पूरा रेवेन्यू टूरिज्म से आता है, और उसके बाद भी अगर हमारा जो ये ब्रिजेस है, जो रोड्स है, अगर उनको सेफ नहीं कर पाएंगे तो हम टूरिज्म कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग यहाँ पे अपनी सेफ्टी को कैसे सोचेंगे कि सेफ हम सेफ रहेंगे कि अगर हम उत्तराखंड में आते हैं टूरिज्म करने। पंकज पेनुली हमारे साथ जुड़े हैं, नेता हैं यूकेडी से। पंकज जी, देखिए 75 जो पुल हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं कि वो सेफ्टी के अकॉर्डिंग असुरक्षित हैं और उस पर पूरी तरह से आवाजाही यात्रा बंद कर दी जाए, इस बात के निर्देश दे दिए गए हैं। चारधाम यात्रा भी अभी चल रही है, कांवड़ यात्रा हालांकि खत्म हो चुकी है लेकिन अभी भी लोग जा रहे हैं हरिद्वार जल लेने के लिए, तो ऐसे में कितनी परेशानियां उन लोगों को होगी? टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट भी जाते हैं, पर्यटक जाते हैं वहां पर, ऐसे में अगर 75 पुलों को बंद कर दिया जाएगा, वैकल्पिक और रास्ता नहीं है, तो ये जनता जो जा रही है, जो श्रद्धालु जा रहे हैं, पर्यटक जा रहे हैं, उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत हो सकती है? देखिए, इसमें सीधी सी बात है कि सरकार ने जो सेफ्टी ऑडिट करवाया था पिछले साल नवंबर में, उसके बाद जो मालन नदी का पुल टूटा है उसमें अपने माननीय विधानसभा अध्यक्ष की बाइट तो देखी है, मिस्टर सिन्हा जिनको वो एक कॉल कर रहे थे और कॉल के ऊपर बोल रहे थे कि मैं पिछले एक साल से आपको ये चीज बता रही हूँ, आप नहीं कर रहे हो। वो कॉल किसी और ने नहीं बल्कि एक मतलब जिस पद की गरिमा और जिस पद के पास पावरफुल पद हो, नेक्स्ट तो सीएम है हमारा विधानसभा अध्यक्ष जो होता है, तो मैं जब उन विधानसभा अध्यक्ष माननीय विधानसभा अध्यक्ष की बात नहीं सुन रहे हैं, ब्यूरोक्रेट इतने हावी हो चुके हैं उत्तराखंड के ऊपर कि हमारे नेताओं की कोई विचार नहीं है। कोई सिन्हा बताएगा हमें कि क्या महालय नदी का पुल सही होगा कि नहीं होगा, या वहां का पुल सही होगा कि नहीं होगा। अब जो ये है अपनी सरकार का जो मुंह छिपाने के लिए सरकार को एक अच्छा मौका मिल गया है कि 75 जो ब्रिज है जो सेंसिटिव जोन में है उनको बंद कर दो। मतलब कि आपने प्रॉब्लम आने से पहले आपने एज्यूम कर लिया कि ये गिरेंगे, हम इनको सही नहीं करेंगे, लेकिन हम इस पे क्या करेंगे कि पब्लिक को बंद कर देंगे। जब कोई जाएगा ही नहीं तो इसमें कोई को इलेक्ट होने का चांस नहीं है। ठीक है, आपकी मंशा की चलो, लेकिन लेकिन पंकज जी हमें इसका पॉजिटिव एक मिनट, ठीक है, आप विपक्ष में है लेकिन इसका पॉजिटिव हमें सोचना चाहिए कि 75 जो पुल है, आ रही हूँ आपके पास आ रही हूँ, एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात। 75 जो पुल है जो चिन्हित किए गए हैं, तो कोई अप्रिय घटना ना हो, हादसा ना हो, इसी वजह से तो वो चिन्हित किए गए हैं ना, उन पे काम किया जाएगा, वैकल्पिक रास्ते ढूंढे जाएंगे, इसका एक और पहलू तो ये भी जाता है। जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि सरकार अपनी पिछले नवंबर से अभी तक अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकी, उस वजह से आज ये बंद करने पड़ रहे हैं। ये सेफ्टी है, उत्तराखंड की सेफ्टी के लिए है, इसका हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन साथ में क्या आपने उसका ऑर्डरेशन निकाला, ऑल्टरनेट को रूट निकाला? यात्रा चल रही है, यात्रा सबसे ज्यादा मतलब उत्तरकाशी जिला, रुद्रप्रयाग और चमोली जिला, इन 6 महीनों में ही रहते हैं।
वहां पे इन 6 महीनों की 6 महीने के बाद वो खाली हो जाते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने माड़ा को प्रथम ग्रांट घोषित करा था, जो फर्स्ट विलेज पे जाने के लिए अगर आपकी ये सारी चीजें हैं, अगर वहां तक नहीं पहुंचोगे तो फर्स्ट विलेज कैसे होगा? वो जो उन्होंने फर्स्ट विलेज की अवधारणा को प्रधानमंत्री जी ने वहां से बोला है, ये तो खुद प्रधानमंत्री जी के तो सरकार का लगा रही है या जी, सरकार का इन पुलों के लिए सर्वे कराना, ऑडिट कराना, सेफ्टी ऑडिट, ये सही है या सरकार की गलती है या सरकार देर से जागी है? नहीं, ये बिल्कुल सही है। और मैं कह रहा हूँ केवल पुल ही नहीं, अगर आप पहाड़ों में जाओगे तो प्राथमिक विद्यालय जो हमारे हैं, स्कूल जो हमारे हैं, इंटर कॉलेजेस जो हमारे हैं, डिग्री कॉलेज जो सरकारी है, वहां पे आप हालत देखिए, वहां जर्जर हालत है। वहां पे किसी भी दिन कोई बड़ा हादसा हो सकता है। पुल तो चलो आपको आज दिख रहा है इसलिए आप पुल की बात कर रहे हो, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। और सरकार ने अगर ऑडिट करवाया है तो सरकार की जिम्मेदारी है करवाना, सरकार का काम है ऑडिट करवाना, और ऑडिट करवाने के बाद उस पर काम करना, ना कि 2020 पे रिपोर्ट रखे और आज 2022 पे रिपोर्ट रखे। आज हम उसके ऊपर 75 पुलों को बंद कर दे बिना किसी ऑल्टरनेशन के, ये सरकार की फेलियर है। इसमें इन्होंने देखिए आप को आप देख लीजिए इनके सारे कामों को, तो उसमें जो सरकार की जो कमियां है, आप कमियां भी बोलते भी है ना, ये काम सही कराया आपने और ऐसा होना चाहिए था, लेकिन उसका किस कॉस्ट पे? ठीक है, वापस लौटूंगी आपके पास। मयंक जी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। मयंक प्रकाश जी, हाँ आपकी आवाज आ रही है, मैं वापस लौटूंगी आपके पास। मयंक जी भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, कांग्रेस नेता है। सर आपकी आवाज मुझ तक पहुंच रही है, मैं वापस लौटूंगी आपके पास। क्या मेरी आवाज मयंक जी को मिल रही है? जी मैम, जी जी जी, जी। मयंक जी ठीक है, सारी बातें एक तरफ, विपक्ष जो इस पूरे मुद्दे को उठा रहा है कि नवंबर में सर्वे हुआ था, नवंबर में भी सेफ्टी ऑडिट कराया गया था, तब ये पता चला था कि 35 पुल ऐसे हैं पूरे प्रदेश के जो पूरी तरह से असुरक्षित हैं, लेकिन क्या अब ये संख्या बढ़ गई है या 75 है या उनको हटा के 75 है, ये कांग्रेस का सवाल है। लेकिन सवाल ये भी है कि सरकार ने पहले ही इन पुलों पर यात्रा रोकने के निर्देश दे दिए हैं, तो ये तो अच्छी बात है ना कि कोई घटना ना हो। आपने मोरबी का जिक्र किया, मोरबी में तो वो घटना हो गई थी। जी जी मैम, जैसे मैं कहना चाहूंगा, याद दिलाना चाहूंगा, जबकि हम सभी को, आपको, मेरे को, सब जनता को, हमारी बीजेपी की जो प्रवक्ता अभी जुड़ी हैं सुनीता जी, उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि जो मोरबी की जो घटना हुई थी वो लापरवाही की वजह से हुई, वो इसी रीजन से हुई थी जो हमारी उत्तराखंड की सरकार, जिसका मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने अब क्या कहते हैं, इन्होंने आवाजाही बंद कर रखी है ताकि लोड ना पड़े, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया ताकि वैसा मोरबी जैसा घटना ना घटे। पर मेरी बात मैम यही है कि जब सेफ्टी ऑडिट हुई थी तब 288 ब्रिजेस को उनको बी कैटेगरी से ए कैटेगरी करना गया था, उसको वन लेन से वन एंड हाफ लेन करने की बात की थी ताकि वो लोड उठा सके, वो मेजर लोड उठा सके, इसी के लिए इनको 19.23 करोड़ एलोकेट किए थे, इसी के लिए, ताकि आज हमें ये दिन ना देखना पड़े कि हमें आवाजाही बंद करनी पड़े लोगों की, हमें ये दिखाना पड़े लोगों को और बाकी राज्य को, बाकी लोगों को ये दिखाना पड़े कि हमारी जो ब्रिजेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो लोड ही नहीं उठा सकते। अब इनमें जो ये पुल है, ठीक है मयंक जी, एक और बात, इनमें जो पुल है जी, जी, अब इनका निर्माण इन्हीं 6 सालों में या 7 सालों में तो हुआ नहीं होगा जी, उससे पहले भी हुआ होगा, तो आपकी सरकार ने क्या कदम उठाए थे सेफ्टी पर्पस से? आप पूछ रहे हमारी सरकार, मैम हमारी स्टेट में 3,262 ब्रिजेस हैं, और ये हमारी जो सरकार आई है, गई है, बीजेपी की भी आई है, हमारी भी आई है, हम सब ने यूपी में भी हैं, यूपी के टाइम पे भी हम उस टाइम बने थे यहाँ पे ब्रिजेस, तो ये सारे ब्रिजेस उस टाइम के बने हुए। अब हम ये कह सकते हैं कि अभी डबल इंजन की सरकार है, ठीक है, सेंटर में भी है आपका, फंड्स की कोई दिक्कत नहीं है आपको, आपको किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है, ब्रिजेस पहले से बने हैं, आपको सिर्फ मेंटेन करना है, आपसे मेंटेन नहीं हो पा रहे ब्रिजेस। यानी आप कहते हैं कि जब आप सत्ता में थे तो तब शायद आपके डबल इंजन की सरकार नहीं थी, अब डबल इंजन की सरकार है, फंड की कोई चिंता नहीं है, मेंटेनेंस का खर्चा है बस। नहीं आपने बिल्कुल सही बोला, अभी हम कुछ ही दिन पहले की बात थी जब केदारनाथ की यात्रा शुरू हुई थी तो हमने एक अचीवमेंट मानी थी
किस बात की कि हम लोगों ने इतने सारे लोगों को हम लोगों ने बुलाया है उत्तराखंड में, इतनी भीड़ आई है, ये अचीवमेंट थी हमारे लिए। आप ये मानते हैं कि इससे पहले कभी इतनी भीड़ नहीं आई, तो यानी कि इतने लोड भी नहीं पड़े होंगे हमारे ब्रिजेस पे। मयंक जी वापस लौटूंगी आपके पास, कमेंट लूंगी आपका। सुनीता विद्यार्थी जी भी मेरे साथ जुड़ी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। सुनीता जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी सुनीता जी, सुन पा रही है मुझे आप? बिल्कुल बिल्कुल काजोल। हाँ सुनीता जी, 75 पुल चिन्हित किए गए हैं। कांग्रेस यूकेडी का आरोप है कि 2022 में भी चिन्हित किए गए थे 35 पुल, तब अगर सरकार ध्यान देती तो आज इस तरीके से पुल पर आवाजाही बंद नहीं करनी पड़ती। इससे जो यात्रा है वो प्रभावित होगी, श्रद्धालु कहीं ना कहीं परेशान होंगे, जो पर्यटक है वो परेशान होंगे, मेंटेनेंस आप नहीं कर पा रहे हैं। देखिए काजोल जी, जो मेंटेनेंस की यहाँ पे बार बार बात उठाई जा रही है और मेरी को पैनलिस्ट ने भी यहाँ पे अपने अपने आंकड़े रखे, तो मैं थोड़ा सा इनको ये बता देना चाहती हूँ कि जो पुल जो अभी आपके पास आंकड़ा है 75 का, ये पुल जो है कोई नवनिर्मित पुल नहीं है। कई पुल तो बहुत ज्यादा पुराने हैं और आप हर साल अगर आंकड़े निकालेंगे तो जो आज सही है वो अगले साल उनमें कोई ना कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि पुल जो है काफी पुराने भी हैं। लेकिन जो नए पुल है, अगर वहां पे इस तरीके की कोई उसमें प्रॉब्लम आती है, अगर उसके कंस्ट्रक्शन में कोई दिक्कत हुई है या कहीं पे कोई भ्रष्टाचार हुआ है, निश्चित रूप से सबको आवाज उठाने का हक होना चाहिए और आवाज उठानी चाहिए। लेकिन ये जो आप संख्या देख रहे हैं, देखिए इस बार जो मानसून है वो पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा हुआ है और बहुत ज्यादा मानसून आने की वजह से बहुत सारे रास्ते पुल बहुत ऐसा सारे पहली बार जो हमारे में हुआ है क्या? सुनीता जी कैसी बातें कर रही हैं आप? पहली बार मानसून ज्यादा है प्रदेश में। आंकड़े जो काजोल जी है, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस बार के जो आंकड़े और ये जो मेंटेनेंस की बात हो रही है, पूरा पीडब्ल्यूडी जो है लगातार इनकी मेंटेनेंस में लगा रहता है। हमारे प्रत्येक विभाग जो है और विभागाधिकारी जो है लगातार मेंटेनेंस में रहते हैं और हमारी लेबर आपने देखी होगी कि जो कंस्ट्रक्शन वाली है, जो रोड की कर्मचारी है, वो तो हमेशा आपने देखा होगा कि हमेशा सारी बात से एग्री करती हूं कि मेंटेनेंस के लिए आप काम करवा रहे हैं, आपकी टीम लगातार काम कर रही है, पीडब्ल्यूडी विभाग काम कर रहा है। सवाल मेरा क्या था सुनीता जी, सुनीता जी सवाल मेरा ये है कि ठीक है काम हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस काम की वजह से जगह 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 पुल का निर्माण हो रहा है, जगह 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 गड्ढे खुदे हुए हैं, सड़कें बन रही हैं, सड़कें खुदी हुई हैं, जेसीबी मशीन है, तो यात्री यात्रा कैसे करें, पर्यटक कैसे जाएं? या तो आप बंद करवा दीजिए, अभी यात्रा नहीं हो सकती है या पर्यटक नहीं आने चाहिए। देखिए काजोल जी, आपने देखा कि आप पिछले सारा पूरा इतिहास उठाइए, जो इस बार हमारे पास पर्यटक आए हैं और जो श्रद्धालु उत्तराखंड में आए हैं लाख में है, और यहाँ पे मैं तो कहूंगी कि ये जो मेरे को पैनलिस्ट है हंस रहे हैं, ये मुझे नहीं मालूम कि क्या इनको किस बात पे हसियारी, कौन सा यहाँ मजाक चल रहा है, लेकिन भाजपा सीरियस है अपने कामों के प्रति भी और अपनी जवाबदेही के प्रति भी। और रही बात जो जगह जगह पे गड्ढे खुदे हुए हैं, आप देख रहे हैं कि बहुत सारे सेंट्रल प्रोजेक्ट्स भी शहर के अंदर चल रहे हैं और जहाँ पे पुल जो है क्षतिग्रस्त है वहाँ पे हमने वैकल्पिक सुविधा देने का कार्य किया है, हमने जो वैकल्पिक रास्ते हैं, जो प्लान है वो ट्रैफिक प्लान उस तरीके से मैनेज किया हुआ है। हमारी कोशिश ये है कि यात्रियों को श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, उनकी यात्रा मंगलमय हो और हम लोग जो है तुरंत इस पे ट्रैफिक प्लान पर आकर सभी लोगों को जो है एक व्यवस्था दें, ये सरकार का कार्य है। और जहां तक ये पुल है, पुराने हैं नए हैं, ये देखिए इनके जो विभाग है इनसे रिलेटेड विभाग जो होते हैं सारी इंजीनियर्स जो है वो इसमें काम करते रहते हैं, हमारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि वैकल्पिक एक मार्ग होना चाहिए जहां जहां पुल है, क्या ये पॉसिबल है? और वैकल्पिक मार्ग कब तक हो जाएंगे, कब तक हो जाएंगे, कितना इंतजार हमें करना होगा? इस बार मानसून ज्यादा है, अगली बार शायद और ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमें तैयारी रखनी पड़ेगी अगली बार के लिए भी, अभी के लिए भी, और ये जो वैकल्पिक रास्तों की जो माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने पुल की बात की है, वैकल्पिक सुविधा देना हमारा कार्य है। और देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है एक गुड गवर्नेंस देने का काम करती है, और अगर कहीं पे जो भी जिस भी सन में बना हो, जिसकी भी सरकार में बना हो, किसी के भी कांग्रेस के भ्रष्टाचार में भी कोई चीज बनी हो, लेकिन हमारा दायित्व है कि हम उसको सही करें, क्योंकि आज जिम्मेदारी हमारी है, जवाबदेही हमारी है। हम कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा उनको सुविधाएं दें। ठीक है मयंक जी। जी मैम, मैं कहना चाहूंगा, सुनीता जी हैं हमारी वरिष्ठ बीजेपी की हमारी नेता हैं, इनसे बस मैं एक चीज सवाल पूछना चाहूंगा, जवाबदेही तो देनी ही पड़ेगी मैम, आप सरकार में हैं, आप कब तक कांग्रेस पे डालती रहेंगी? आप बस
मैं धन्यवाद दूंगा सुनीता जी को, इन्होंने ये नहीं बोल दिया कि जो 35 से 35 से 75 है वो भी कांग्रेस की गलती से हुए। अच्छा हुआ इन्होंने ये नहीं बोला कि कांग्रेस की भ्रष्टाचार की वजह से 35 से 75 हो गए। अच्छा हुआ इन्होंने ये नहीं बोला, वरना तो हमें फिर सच में ही कुछ शर्मिंदा ही होना पड़ता कांग्रेस को। पर नहीं 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 मैं अच्छा अच्छा मैडम जी, मैं मुद्दे पे आऊंगा तो आपके पास जवाब नहीं रहेगा सुनीता जी, मैं मुद्दे पे आऊंगा आपके जवाब नहीं रहेगा। अच्छा मुझे एक जवाब दे दीजिए, एक जवाब दे दीजिए, एक जवाब दे दीजिए सुनीता जी, एक जवाब दे दीजिए। 19.23 करोड़ में से आपको 2.73 करोड़ मिले, वो 2.73 करोड़ आपने कहाँ लगाए सुनीता जी? वो 2.73 करोड़ रुपीज आपने कहाँ लगाए? सिन्हा जी आपकी बात सुनते हैं नहीं, आपके नेताओं की है अधिकारी आपकी बात सुन नहीं रहे हैं, आप बोल रहे हो आप काम कराओगे। अरे मैडम जी, ऑल्टरनेट रास्तों के लिए नए रास्ते बनाने पड़ते हैं, पुराने ठीक करो नए बनाओ, वो पैसे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं मैडम? सुनीता जी, सुनीता जी, सुनीता जी, सुनीता जी, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, ये डिबेट है इसे संसद मत बनाइए, ये डिबेट है इसे संसद मत बनाइए। जैसा आप संसद में जवाब नहीं दे पा रहे आज मणिपुर के बारे में, आप यहाँ पे भी जवाब नहीं दे पा रहे। मैडम जी, मैडम जी, मैम मैम, सुनीता जी, सुनीता जी, आंकड़े सुनने की हिम्मत रखिए, आंकड़े सुनने की हिम्मत रखिए सुनीता जी, सुनीता जी, सुनीता जी, सुनीता जी, मैडम मैडम, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी ना, ऐसे डिबेट नहीं हो पाती है मैम, इनको जरा थोड़ा रुकिए, क्योंकि बोलते रहेंगे तो जनता का जनता का भी मैं चाहता हूँ जनता को सही से बात पहुंचे, ये ऐसे चिल्लाती रहेंगे तो जनता तक बात नहीं पहुंच पाएगी मैम। बोलिए कि जब ये लोग जब मैम बोल रही थी, सुनीता जी जब बोल रही थी तब मैं चुप था मैम, मैं उनसे बस थोड़ा सा चाहता हूँ कि थोड़ा संयम रखिए, थोड़ा सुनीता जी अगर संयम रखेंगे तो इनके सारे सवालों का जवाब मैं दे दूंगा आज, बस यही है कि इनके जो सवालों के जवाब मैं आज दूंगा, मैं चाहता हूँ कि ये भी पूरे अच्छे से सही तरीके से जवाब, और जनता को बेवकूफ मत बनाइएगा। आपको 19.23 करोड़ दिए गए थे मैम, एलोकेटेड करे गए थे आपकी सरकार को, 2.73 करोड़ रिलीज हुए थे, आप अब मुझे बताइए 2.73 करोड़ आपने कहाँ लगाए? जवाब दाई, जवाब दी, जवाब दी सुनीता जी, जवाब देना ठीक है। दूसरी चीज ठीक है, आपके ये देख अब आप क्यों हंस रही है, तो हंसने की बात नहीं है, सीरियस बात है, अब आप क्यों हंस रही है? खैर छोड़िए, अब आप मुझे बताइए आपकी जो बी कैटेगरी के जितने पहाड़ थे, पहाड़ में 288 सिंगल लेन की आपकी बी कैटेगरी की आपके ब्रिजेस है मैम। देखिए मयंक जी, अगर इतना डिटेल में जाएंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, मेरे पास इतना समय नहीं है। मयंक जी सुन लीजिए और सुनीता जी आप भी, सुनीता जी बहुत जल्दी से जवाब दीजिएगा जो मयंक जी पूछ रहे हैं, बहुत शॉर्ट में, मेरे पास समय नहीं है। कितने लाखों करोड़ों 70 सालों से लूट खसूट आके चल रही है, और एक ही बात पॉइंट पर जवाब दे, चलिए ठीक है सुनीता जी, मयंक जी का बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चर्चा हो रही थी कि जो नदी सड़कों पर पुल बने हुए हैं वो सेफ्टी ऑडिट में असुरक्षित पाए गए हैं, 75 ये पुल बताए जा रहे हैं, जिसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, जहां कांग्रेस पूरा चिट्ठा लेकर बैठी है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस के 70 साल का चिट्ठा लेकर बैठी है। लेकिन सवाल ये है कि जनता की सेफ्टी के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।